किसी इंसान की अर्थी जाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि किसी पेड़ की अंतिम यात्रा निकाली जा सकती है? जी हाँ, मुंबई के बोरीवली पूर्व राजेंद्र नगर में नारियल के पेड़ की अंतिम यात्रा निकाली गई। मामला कुछ ऐसा था कि कुछ अनजान लोगों ने बीते दिनों 4-6 नारियल के पेड़ों में ड्रिल करके केमिकल डाल दिया था, जिससे पेड़ सूख गए, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस और बीएमसी में की थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया जिससे पेड़ पर केमिकल का कोई प्रभाव न पड़े। 15-20 दिनों के अंदर ही एक पेड़ केमिकल के प्रभाव से सूख कर गिर गया, जिसका शोक हुआ प्रशासन की नींद खोलने के लिए स्थानीय लोगों ने पेड़ का पैदल यात्रा निकालकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। छब्बीस दिसंबर यहाँ पे इन सब झाड़ों को जो नारियल के इतने 25 साल के बड़े वृक्ष हैं उनको ड्रिल करके जहर दिया गया था और उसके बाद ये झाड़ सूखने लगे और सूखने के बाद आप देख सकते हैं तो उसमें से एक झाड़ अभी गिर गया है। अभी चारों की वही परिस्थिति है, कुछ दिनों में बाकी भी सूख जाएंगे और गिर जाएंगे, तो इसकी जवाबदारी बीएमसी को लेनी पड़ेगी। क्योंकि बीएमसी ने जब भी 26 तारीख को हमने पत्रव्यवहार किया और जब भी कंप्लेंट किया 7 तारीख तक कोई नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि अगर एक फर्स्ट एड जो उनको देना चाहिए था झाड़ों को वो दिया नहीं गया है और उनको मरने के लिए छोड़ दिया, और वही झाड़ को हम लोगों ने, वो भी एक इंसान जैसे ही, वो भी एक जिंदा है और वो बिना बोले सब कुछ यहाँ पे दे रहा है लोगों को, तो उसके अंतिम यात्रा हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी। तो पुलिस ने ऐसे कहा था कि जिसको यहाँ पे थेट फायदा होने वाला है, बिल्डर हो या फिर जिसने यहाँ पे आने में देर की, जो बीएमसी है वो, और साथ में यहाँ पे म्हाड़ा जो भाड़ा वसूल करने को आती है, तो ये तीनों प्रशासन को आपको FIR में लेना है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। और पुलिस स्टेशन ने भी ये कहा था कि हम लोग ये कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि हिंदू रिलीजन में झाड़ को देवता माना गया है और साथ में वो बिना कुछ लिए इंसान से वो सब कुछ दे रहा है, तो निस्वार्थ खड़ा है यहाँ पे, तो उसको प्रोटेक्ट करनी उतनी हमारी सबकी जवाबदारी है। इसी हिसाब से हम लोगों ने उसे, जो हमारे साथी था, हमारे से में कोई चला गया, इसके लिए हम लोगों ने उसकी शव यात्रा निकाली। अज्ञान व्यक्ति को ढूंढ रही है मगर उसमें से सहयोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि अज्ञान व्यक्ति उनको मिल नहीं रहा है। जितने भी यहाँ पे CCTV कैमरास थे, 26 और 25 दिन के ही CCTV कैमरास में फुटेज नहीं है, और जो BMC को हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आपको विद इन दिन में आना चाहिए था फर्स्ट एड लेकर, उन्होंने नहीं आया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब तक सिर्फ उन्होंने रजिस्टर FIR नहीं लिया हुआ है, तो वो कॉपी हमें भी मिल नहीं रही है अभी तक। पकड़ना जरूरी है और जब तक कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जिसे कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट, जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी, लोगों को इस पर कोई भरोसा नहीं होने वाला है। आप 50 लॉ बनाइए, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को क्या फायदा वो बनाने के लिए? या तो मैं खुद ही अपने हिसाब से एक अपना आर्मी बनवाऊँ, एक बंदूक लेके खुद घूमूँ और अपना अपने तरीके से एक वॉचमैन रखूँ हर पेड़ों को ध्यान रखने के लिए। जब पुलिस नहीं कर पाएगी तो हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा, पुलिस का काम। BMC से क्या सहयोग? BMC से सहयोग जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। BMC का एक काम और भी है कि पेड़ों को रक्षा करना, जो वो कर नहीं पाती है। लॉ इन्फोर्समेंट, उसी पे बात आ जाती है। हाँ, एक बार जब जहर पड़ गया, 12 दिन बाद उन लोग जगे हैं, बोले कि आज मुझे चिट्ठी मिला है, और फिर जाके उन लोग कोशिश करें, तो ऐसा कोशिश का कोई फायदा नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पेड़ गिर गया है जहर के कारण, उसी के बाजू में नारियल का पेड़ लगाएं। और सच्चाई तो ये है कि ज़मीन में इतना जहर है कि ये नारियल भी बड़ा नहीं होगा। कि पता नहीं किस टाइप का सोच है, कौन ये आइडियाज देता है इन लोगों को। तो BMC को भी पहले कुछ स्पेशलिस्ट अंदर लाना चाहिए जिनको कि नॉलेज हो इसके बारे में।